नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के तत्वावधान में पिछले दिनों 2 जनवरी से 7 जनवरी तक एक विरोध सप्ताह का आयोजन करके और रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। और उसी कड़ी में रेल मंत्री जी ने फेडरेशन के हमारे नेताओं को कल 16 तारीख को दिल्ली में रेलवे बोर्ड में बुला करके बातचीत की और ये आश्वस्त करने का काम किया कि रेलों का निजीकरण नहीं होगा। और उसके दूसरे दिन आज 17 तारीख को अहमदाबाद से तेजस एक्सप्रेस एक और निजी ट्रेन को रेल मंत्री जी ने स्वयं हरी झंडी दिखाने का कार्य किया है। और इतना ही नहीं, इस तेजस एक्सप्रेस जो IRCTC को निजी हाथों में देने का काम हुआ है, इसे हरी झंडी दिखाने का काम जो रेल मंत्री जी कर रहे थे, उसे हमारे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अहमदाबाद मंडल के साथियों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन करने का काम किया तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का काम किया, उन्हें हिरासत में लेने का कार्य किया है। इससे देश भर के रेल मजदूरों में असंतोष है और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में, इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर मंडल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार से सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि निजीकरण की जो आपकी नीति है, इस पर जो आप बातचीत के दौरान देश पर के मीडिया को जिस तरह से आप आश्वस्त कर रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, और दूसरी तरह से जिस तरह से भारतीय रेल को निजी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने का कार्य किया जाए, अन्यथा इस देश भर में रेल कर्मचारी और आम जनता जिसे इस निजीकरण की वजह से सीधा सीधा नुकसान होने का काम होगा, जो ये सस्ती सुगम रेल की यातायात की सुविधा उपलब्ध है, ये निजी हाथों में जाने के बाद जो महंगाई की ओर जाने का काम होगा, जिस तरह से कंपटीशन में पूंजीपति अपना लाभ देखेंगे, आम जनता का लाभ नहीं देखने का काम करेंगे, इसके विरोध में हम जनता को साथ में लेकर के और पूरे देश भर में आंदोलन चलाने का कार्य करेंगे, अन्यथा ये भारत सरकार अपने इस फैसले पर एक बार फिर पुनः विचार करने का कार्य करे। मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज। जिस तरह से देश की सरकार भारतीय रेलवे के निजीकरण के लिए एक के बाद अपने कदम आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और जिस तरीके से ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन भारतीय रेल के निजीकरण का शुरू से ही विरोध कर रहा है और वो नहीं चाहता किसी भी तरीके से भारतीय रेल का निजीकरण हो, और इस संबंध में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक विरोध सप्ताह मनाया। उस विरोध सप्ताह में भारतीय रेल के हालात देखकर माननीय रेल मंत्री जी पीयूष गोयल साहब ने 16 तारीख को DC JCM की मीटिंग बुलाकर दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों को बुलाने का काम किया। वहां पर दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने का काम किया इस निजीकरण को लेकर। उस मौके पर माननीय रेल मंत्री जी बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहने का काम करते हैं कि किसी भी प्रकार से भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा, और अफसोस इस बात का है कि उसके दूसरे ही दिन अहमदाबाद से बम्बई के लिए एक नई तेजस एक्सप्रेस निजी ऑपरेटर्स के हाथों सौंपते हुए चलाने का काम होता है, और वही पीयूष गोयल जी आकर उसे हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन शुरू से विरोध कर रही है, उसी कड़ी में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने तेजस्व के संचालन को लेकर अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, रेल कर्मचारी की आवाज को कुचलने के लिए सरकार की दमनकारी नीति के तहत स्थानीय प्रशासन पुलिस को बुलाकर रेल कर्मचारियों को रोकने का प्रयास करता है, उन्हें धक्के देने का प्रयास करता है, उन्हें गिरफ्तार करके बस में बैठाकर 2 किलोमीटर दूर छोड़ने का काम करता है। इस दमनकारी नीति को कभी भी ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और उसकी यूनियन बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये मान्यता प्राप्त संगठन है, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर देश की जनता को अपनी बात कहने का, किसी भी गलत नीति का विरोध करने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और रेल कर्मचारियों को भी रेल के प्रति अगर कोई गलत नीति सरकार बनाती है तो उसका विरोध करने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत मान्यता प्राप्त संगठन अगर विरोध प्रदर्शन करती है और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो इससे
बुरी और इससे अन्यायपूर्ण कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। हम रेल कर्मचारी इसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और इसी कारण से इस देश की सरकार को चेताने के लिए, इस देश की सरकार को ये बताने के लिए कि रेल का एक एक कर्मचारी, चाहे वो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का हो, चाहे वो नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का हो, चाहे फिर वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का हो, एक एक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ है और आपकी इस दमनकारी नीति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का ये सांकेतिक प्रदर्शन जो हमने यहाँ स्टेशन पर किया है वो इस सरकार को चेतावनी है कि समय रहते अपनी दमनकारी नीति को बंद करें, वरना यह आगे बढ़कर रेल के चक्के को जाम करने का भी काम करेगी और उसकी तमाम जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। जिस जो भी जनता को नुकसान होने वाला है उसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। इस बात की चेतावनी के लिए और अपने भाइयों के लिए, वेस्टर्न रेलवे के भाइयों के लिए जो हमने समर्थन में यह आज का प्रदर्शन यहाँ आयोजित किया है। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़।